महाकाल के शहर में इन दिनों अजीबोगरीब खौफ है। पहले ये खौफ कोरोना वायरस का था और अब उसकी जगह एक नए वायरस ने ले ली है। जी हाँ, ये है बर्ड फ्लू की दहशत। उज्जैन शहर में पिछले दिनों अचानक मरे हुए कौवे मिलने लगे तो हड़कंप मच गया। लोगों के मन में सवाल उमड़ने लगे। घरों में मेहमानों के आने का संदेशा देने वाले कौवे आखिरकार इंसानों को कब कौन सा संदेश दे रहे हैं? उज्जैन में मृत मिले कौओं को तुरंत दफना दिया गया, लेकिन उनके सैंपल भोपाल की लेबोरेटरी में भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि कौओं की मौत के पीछे वजह क्या है। लेकिन एमपी के दूसरे शहरों में फैले बर्ड फ्लू को देखते हुए खतरा उसी का जताया जा रहा है। उज्जैन की तरह ही आगर मालवा में भी खौफ की दस्तक है। पिछले तीन दिनों में करीब 300 से ज्यादा कौओं की मौत हो गई है। जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। ये इलाका राजस्थान के झालावाड़ जिले से सटा हुआ है। झालावाड़ बर्ड फ्लू की चपेट में है। हमारे यहाँ फॉरेस्ट विभाग से साईं मंदिर के पास दो क्रोह मरे थे और उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेंजर लेके आए थे और उसका पीएम डॉक्टर अंकित जैन और डॉक्टर महाजन ने किया और उसके सैंपल लेकर हाई सिक्योरिटी लैब भोपाल भेजे गए थे, जिसकी आज रिपोर्ट हमको प्राप्त हुई है और उसमें एच1N बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। अभी फिलहाल एक तो हमारे ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाया है, दूसरा रैपिड रिस्पॉन्स टीम भी हम भी बना दी जिलों पूरे डिस्ट्रिक्ट में और सभी डॉक्टरों को निर्देश दे दिए, CMO नगर पालिका वन विभाग जहाँ जहाँ पशुओं और पोल्ट्री फार्मर वालों को भी निर्देश दिए कि वो जो भी पोल्ट्री सेल करें उसका चेकअप करवाएं और उसके बाद सेल करें। यह मध्य प्रदेश के खंडवा का गोविंद नगर इलाका है। यहाँ बर्ड फ्लू की आशंका लोगों को परेशान कर रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब कौवे और बगुलों की संदिग्ध मौत होने लगी तो उन्होंने प्रशासन को सूचना दी। इसके बाद पशु चिकित्सा विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने की तस्दीक की। रात से बगले और कौवे बहुत गिरे, 30-35-40 की मात्रा में गिर गए हैं। अभी टीम आई थी, उन्होंने बताया कि उनको हाथ नहीं लगाना है, वायरस हो सकता है। अभी टीम आएगी, डॉक्टर आएंगे, जांच करने के लिए ले जाएंगे। खांडवा की तरह मध्य प्रदेश के इंदौर में भी अचानक कौओं की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। वहां मृत पाए गए कौओं में तो बर्ड फ्लू की पुष्टि भी हुई है। कौओं में जब बर्ड फ्लू का पता चला तब से ही पशु चिकित्सालय विभाग और अन्य संबंधित विभाग सक्रिय हो गए हैं। हालांकि अब तक बर्ड फ्लू से पक्षियों में केवल कौओं की मौत हुई है, लेकिन वेटरनरी विभाग के डॉक्टर्स ने हर उस इलाके को अलर्ट कर दिया है जहां अधिक पक्षी रहते हैं। वहीं पोल्ट्री फार्म में पलने वाले मुर्गे मुर्गियों को लेकर भी प्रशासन ने मालिकों को सावधान रहने के लिए कहा है। इसके लिए जो उनके प्रोटोकॉल के अनुसार उनको जहां से वो मृत पक्षी मिलते हैं उनको एक मेजर का पालन करते हुए जो पूरी पीपी किट पहन के और उनको पॉलीथीन में रख के और 10 फुट का एक गड्ढा खुदवा के और उसके अंदर उनको दफना दिया जाता है। उसमें चूना और नमक लेयर डाल दी जाती है और पूरा तरह उसको फिल कर दिया जाता है और जिस जगह पे ये फिलिंग की कार्रवाई होती है। बट हम लोग हाँ पोल्ट्री या इस तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे वेटरनरी डिपार्टमेंट शायद कुछ एंटीवायरल दवाइयाँ वगैरह प्रिस्क्राइब करी हैं उन लोगों को और जू में भी ये लोग कुछ कर रहे हैं और इसके अलावा जो नगर निगम की टीम्स और ये जो फॉगिंग करती है थोड़ा डिसइंफेक्ट करना एरियाज को, वो चीज़ें हम लोग कर सकते हैं और इसका ले लेना। मध्य प्रदेश में 23 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच 376 कौओं की मौत हुई है। सबसे ज्यादा 142 मौतें इंदौर में हुई हैं। इसके अलावा मंदसौर में 100, आगर मालवा में 112, खरगोन में 13, सीहोर में 9 कौओं की मौत हुई है। लैब रिपोर्ट्स में अभी तक सिर्फ इंदौर और मंदसौर से भेजे गए सैंपल्स में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, लेकिन अलर्ट मोड में पूरा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अब 3 जिले बर्ड फ्लू से प्रभावित हो चुके हैं। सरकार ने पुष्टि कर दी है कि इंदौर और मंदसौर के बाद आगर मालवा से जो सैंपल्स भेजे गए थे उनमें भी बर्ड फ्लू के वायरस पाए गए हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक आपात बैठक बुलाई जिसमें तय किया गया है कि जितने भी पोल्ट्री फार्म से मध्य प्रदेश में उनमें कड़ी निगरानी रखी जाए और जरूरी पड़ने पर वहां से सैंपल तुरंत लिए जाए। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ।